साइबर एनकाउंटर्स किताब का लोकार्पण उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस किताब के लेखक डीजीपी अशोक कुमार और पूर्व डीआरडीओ वैज्ञानिक ओपी मनोचा हैं। ये किताब ऑनलाइन अपराधियों के साथ पुलिस की भिड़ंत की सच्ची कहानियों पर आधारित है। किताब की सीएम धामी ने जमकर तारीफ की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजपुर रोड स्थित एक स्कूल में पुस्तक साइबर एनकाउंटर्स का लोकार्पण किया। ये किताब ऑनलाइन अपराधियों के साथ पुलिस की भिड़ंत की सच्ची कहानियों पर आधारित है। मौजूदा वक्त में बढ़ते साइबर क्राइम से ज्यादा लोगों को कैसे बचाया जा सके, ऐसे तमाम ट्रिक्स का जिक्र भी इस किताब में किया गया है। इस किताब के लेखक डीजीपी अशोक कुमार और पूर्व डीआरडीओ वैज्ञानिक ओपी मनोचा है। लोकार्पण के मौके पर पूर्व डीजीपी अनिल कुमार रतुड़ी, एसीएस राधा रतुड़ी समेत पुलिस प्रशासन से जुड़े कई आला अफसरान समेत कई स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद रहे। किताब का पहला संस्करण अंग्रेजी भाषा में हाल ही में दिल्ली में लॉन्च किया गया था। अंग्रेजी भाषा में पुस्तक लॉन्च होने के बाद 10 दिन में इस पुस्तक ने अमेज़न पर पहला स्थान हासिल भी किया और अब इस शानदार किताब का हिंदी में संस्करण प्रकाशित किया गया है ताकि हिंदी के पाठक भी इस किताब को पढ़ सकें। डीपी श्री अशोक कुमार जी के द्वारा आज साइबर एनकाउंटर्स और मनोज उनके सह लेखक उनके साथी मिनोचा जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज साइबर क्राइम बढ़ा है, अपराध की दुनिया में नए नए प्रकार के क्राइम किए जा रहे हैं और जाने अनजाने में लोग उसके शिकार हो रहे हैं, तो ये पुस्तक उन सभी को जागरूक करने में और उन सभी से कहीं चेताने का काम करेगी। देखिए, इसका मेन फोकस इस बात पे है कि आज की तारीख में साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उसकी चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसको पार पाने के लिए हमने इसमें रियल लाइफ से कहानियाँ उठाई हैं कि साइबर क्राइम की कहानियाँ हैं, कैसे साइबर क्रिमिनल क्राइम करते हैं, क्या उनका क्राइम करने का तरीका होता है, कैसे उसे पुलिस वर्कआउट करती है और कैसे आम आदमी अपने साथ साइबर क्राइम होने से बच सकता है। ये इस किताब के माध्यम से हमने आम आदमी को साइबर क्राइम से बचने के तरीके बताए हैं, यही हमारा प्रयास है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।